हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, पैसिफिक यूनिवर्सिटी 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के प्रोसेस को। तो क्या सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया, उस लिंक पे क्लिक करना, जिस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को फैकल्टी सेलेक्ट कर लेनी है, किस फैकल्टी के लिए आप जो अप्लाई करना चाहते हैं, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना होगा, आप लोग जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर कर देना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का, हस्बैंड या फिर गार्जियन का नाम एंटर कर देना होगा, उनका ऑक्यूपेशन एंटर कर देना है, मदर यानी कि गाइस आपके माता जी का नाम आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट एंटर कर देना होगा। नीचे आप देख सकते हैं, इधर आप लोगों को आपके जो है माता जी का नाम एंटर कर देना होगा। देन आपके माता जी का, मदर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो एंटर करना होगा। आप लोगों को अगर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है तो सबसे पहले यहाँ पे मंथ एंटर कर देना होगा, डेट एंटर करना है, देन आपको यहाँ पे ईयर एंटर करना होगा, शादी का स्टेटस एंटर कर देना है। उसके बाद गाइस, अगर आपको जो कन्वीनियंस डिजायर है या फिर अगर हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे टिक कर देना होगा, वरना फिर आपको यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़ देना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, रीजन सेलेक्ट कर देना है, नेशनलिटी आपकी जो भी है गाइस, वो नेशनलिटी आपको यहाँ पे जो लिख देना होगा, अपनी नेशनलिटी लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो उसके लिए कंप्लीट आपको एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना होगा, एड्रेस के बाद गाइस जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो सिटी एंटर कर देना होगा, जो भी पिन कोड एंटर कर देना है, कंट्री यहाँ पे जो है सही सेलेक्ट कर लेना होगा आप लोगों को। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस एंटर करना है यहाँ पे, और एड्रेस टू एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो डिस्ट्रिक्ट का एंटर कर देना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो है ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को अपना एक जो ईमेल एड्रेस एंटर करके बता दे रहा हूँ, आपको अपना वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस गाइस आप लोगों को जो है री एंटर करके कंफर्म कर देना है, sagarkumarprofile@gmail.com। तो यहाँ पे जो है ईमेल हमने एंटर कर दिया। देन गाइस आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर एंटर कर देना होगा, चाहे तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हो, ना फिर अगर आप चाहे तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सिंपली आप टिक कर देना होगा, तो पूरा कंप्लीट एड्रेस नीचे आपका अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अभी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देना है, तो सबसे पहले कैसे यहाँ पे आप लोगों को अपना जो है 10th के स्कूल का नाम देना होगा, 12th के स्कूल का नाम, अंडर ग्रेजुएशन जहाँ से कि उसके स्कूल का नाम, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से कि वहाँ से स्कूल का नाम, फिर जिस बोर्ड से आपने किया उस बोर्ड का नाम दे देना होगा, 10th 12th ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस भी बोर्ड से किया वो सेलेक्ट कर लेना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे एंटर कर देना है कैसे आप लोगों को, यहाँ पे आपके 12th में क्या सब्जेक्ट है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है वो आपको एंटर कर देना होगा। अब बात आती है गाइस ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे मैं ईयर ऑफ पासिंग 2021 डाल देता हूँ, 2000 यहाँ पे मैं 19 डाल देता हूँ, देन 17 और यहाँ पे जो है मैं 2015 एंटर कर देता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स गाइस कितने मार्क्स का पेपर था आपको वो एंटर कर देना हो, फॉर एग्जांपल 700 में कर देता हूँ, और ऑप्टेन मार्क्स मैं 600 कर देता हूँ। यहाँ पे वही 12th के लिए यहाँ पे जो है फिर आपका परसेंटेज गाइस यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। देन यहाँ पे 12th के लिए मैं मैक्सिमम मार्क्स 650 कर देता हूँ, और ऑप्टेन मार्क्स जो है वो 525 कर देता हूँ। देन वही ग्रेजुएशन के लिए गाइस आपको मार्क्स यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स एंटर कर देने होंगे, और उसमें से कितने मार्क्स गाइस आपने ऑप्टेन किए वो मार्क्स आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। देन यहाँ पे गाइस पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सेम ऐसे कि आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स एंटर करना है, उसमें से कितने मार्क्स आपने ऑप्टेन किए वो एंटर करना होगा, और यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब इतना आने के बाद अगर आप एम्प्लॉयड हो तो अपना एम्प्लॉयमेंट की गाइस यहाँ पे आपको हिस्ट्री एंटर कर देनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, तो डॉक्यूमेंट गाइस फोटोग्राफ, उसके बाद सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, UG मार्कशीट एंड PG मार्कशीट अपलोड करना है। तो इसमें से कंपलसरी दो चीज़ अपलोड करना कंपलसरी है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो उसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, जिस भी लोकेशन में आपका फोटोग्राफ हो वो सेलेक्ट कर लेना है, और आपका फोटोग्राफ आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फोटोग्राफ आपका गाइस आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सिग्नेचर के लिए भी सेम ऐसे कि चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, जिस भी लोकेशन में सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, और आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे जो 10th 12th UG और PG के मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मेरा सैंपल मार्कशीट है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। और गाइस सारी चीज़ें करने के बाद आप देख सकते हैं आप लोगों को 750 रुपीज़ चार्जेस हुए, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कंटिन्यू टू ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना होगा गाइस, और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो है गाइस यहाँ पे सारी डिटेल्स अगर आपने सही किए होंगे तो गाइस सही फिल करने के बाद आप लोगों को जो है नेक्स्ट पेज पे लेके जाया जाएगा,
और नेक्स्ट पेज पे गाइस वहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करने कहा जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करना ज़रूरी है, यहाँ पे जो डिटेल्स ब्लैंक छोड़ दी गई थी तो इस वजह से यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे जो है नहीं जा पाए। तो डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली अगेन आप लोगों को जो है यहाँ पे कंटिन्यू टू ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होगा। फोटोग्राफ मार्कशीट की साइज़ का इशू हो जा रहा है गाइस, यहाँ पे आप लोग वैलिड साइज डालेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहाँ से आसानी से गाइस आप लोग जो है अपना पेमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। जस्ट इन केस कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है, कोई भी इशू होता है गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।